हाय एवरीवन, सो हम आज का जो टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं 2.6 एक्सरसाइज जो न्यूज में है. तो बायलेटरल एक्सरसाइजेस क्या क्या है न्यूज में, लेट्स सी. यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सी डिफेंडर्स. ओके, सो कोस्ट गार्ड. फिर है किर्गिस्तान किर्गिस्तान एक्सरसाइज खंजर जॉइंट स्पेशल फोर्सेस बोलते हैं. सऊदी अरेबिया साडा तनसीक सदा तनसीक जॉइंट मिलिट्री. मलेशिया एक्सरसाइज समुद्रा लक्ष्मणा नेवल. यूएई एक्स डेजर्ट साइक्लोन सी चेल्स एक्सरसाइज लैमिटी 2024. थाईलैंड एक्स अयुथया मेडन नेवल इंडो थाई ऑर्बिट नेवल. ओके, सो अदर मिलिट्री एक्सरसाइजेस दैट आर इन न्यूज. डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस ऑपरेशन सर्वशक्ति. इंडिया आर्मी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सर्वशक्ति को, ताकि जो पाकिस्तान का अटेम्प्ट हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उनको बढ़ाने के लिए, तो इंडिया की आर्मी ने यहाँ पे ऑपरेशन सर्वशक्ति को क्या किया है, लॉन्च किया है. ओके, सो इन 2005 इंडियन forces launch operation sarv vinash to flush out terrorist sarv vinash. Then bharat shakti tri services firing and maneuver exercise bharat shakti was demonstrated in pokhran rajasthan. ये क्या स्टिमुलेट करेगा, रियलिस्टिक सिनर्जाइज मल्टी डोमेन ऑपरेशंस डिस्प्लेइंग इंटीग्रेटेड ऑपरेशन कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस टू काउंटर थ्रेट्स अक्रॉस लैंड एयर सी साइबर एंड स्पेस डोमेन. देन वी हैव ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट. सो बेसिकली इंडिया एयरफोर्स ने कंडक्ट करा है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट अलोंग विद फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स एंड यूएई एयरफोर्स. आईएमटी ट्राइलेट 2024 इंडिया मोजम्बिक टैंजेनिया ट्राइलेटरल is a joint maritime exercise, first edition of IMT Trilate exercise. It was conducted on October 2022. Then we have exercise Dosti 16th biennial trilateral coast guard exercise between India and Maldives and Sri Lanka started. Bangladesh is participating as an observer. Exercises Sea Dragon multinational maritime exercise hai jo interoperability ko kya karega, enhance karega India नेवी के बीच में एंड जो पार्टिसिपेटिंग नेवीज है जैसे कि साउथ कोरिया से जापान से यूएस से एंड ऑस्ट्रेलिया से. मिलान 24 एक्सरसाइज इट इज़ अ बायनियल मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज. सो इट वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय इंडियन नेवी 1995 में अंडमान एंड निकोबार कमांड में विद पार्टिसिपेशन ऑफ फोर कंट्रीज. और वो फोर कंट्रीज कौन कौन सी थी, इंडोनेशिया थी, सिंगापुर थी, श्रीलंका थी, थाईलैंड थी. एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस इंडिया नेवी ने पार्टिसिपेट किया है यूएस नेवल फोर्सेस लेड मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलेस एक्सरसाइज इन सेचेस एक्सरसाइज स्टेटलेस डिफेंडर 24. सो नाटो स्टार्टेड इट्स लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस द कोल्ड वॉर कोल्ड स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024. अराटा, सो दिस इज द ब्लैक सी और ब्लैक सी के आसपास आपको देखेगा मोल्डोवा दिखेगा, देन यहाँ पे यूक्रेन है, जॉर्जिया है, टर्की है and we have Bulgaria, Russia, etc. PT 365 international relation mein article 4.5 Geneva conventions and Russia Ukraine wars related to. Yahan pe black sea aap dekhoge map given hai which jo depicts karta hai littoral states of black sea. Map mein Greece is in currently given as a state that shares maritime border with black sea. The region marked this part of Turkey. To yahan pe hum dekh sakte hain ग्रीस. ओके, सो अब आता है इकोनॉमी के सेक्शन से. एचडीपी इज बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 23 से 24 के बीच में. यूएनडीपी ने रिलीज की है एचडीआर जो ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिनिंग कॉरपोरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड. एचडीआई क्या होता है, बेसिकली एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है. ये 1990 से पब्लिश हो रहा है एंड ये फॉर्म करता है कोर ऑफ एचडीआर. एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कोर है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स का.
स्टैटिस्टिकल मेजर है जो क्वांटिफाई करता है कंट्री का अचीवमेंट तीन बेसिक डायमेंशन में, बेसिकली ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे एक कंट्री के लोग कितने लोग और हेल्थी लाइफ जीते हैं, नॉलेज कितनी है और उनका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू डिटर्मिन करते हैं जब हम एग्रीगेट्स करते हैं कंट्रीज के स्कोर को चार इंडिकेटर्स में, और ये जो इंडिकेटर्स है इनको फिर हम सिंगल नंबर में कंपाइल करते हैं बिटवीन 0 and 1.10 बेस्ड ऑन डायमेंशन इंडाइसेस. सो डेवलप्ड बाय पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक. सिग्निफिकेंस क्या है? हम इससे एग्जामिन कर सकते हैं वेरियस पॉलिसी चॉइसेस क्या क्या है नेशंस के पास. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो कंट्री के पास अप्रोक्सीमेटली सेम GNI पर कैपिटा है, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा है, तो HDI कैन हेल्प टू इवेल्युएट वाई दे रिड्यूस वाइडली डिस्पेरेट ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स. ठीक है, मतलब यहाँ पे GNI बहुत अप्रोक्सीमेटली सेम है अगर किसी कंट्री में, तो कहने का मतलब ये है कि फिर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इतना वाइडली डिस्पेरेट क्यों है. लिमिटेशंस इसकी देखते हैं, कुछ लिमिटेशंस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैप्चर करता है वो पार्ट ह्यूमन डेवलपमेंट का, कैप्चर ओनली पार्ट ऑफ व्हाट ह्यूमन डेवलपमेंट एंटेल्स. ये इनइक्वालिटीज को कवर नहीं कर रहा है, पॉवर्टी को कवर नहीं कर रहा है, ह्यूमन सिक्योरिटी को, एम्पावरमेंट को, एटसेट्रा. सिर्फ अचीवमेंट को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. ऑलराइट, ओके, सो नाउ लेट्स सी के HDI के क्या क्या इंडिकेटर्स है. डायमेंशन की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को कैलकुलेट करेगा, इट विल कैलकुलेट नॉलेज, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है बर्थ पे, इंडिकेटर्स है इसके. डायमेंशन इंडेक्स क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स. फिर कैलकुलेट करेगा एजुकेशन इंडेक्स को, फिर ग्रोस नेशनल इनकम इंडेक्स को. HDI इज बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो वैल्यू 0.550 से कम होगी, मीडियम है तो 0.550 से 0.699 होगी, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है 0.70 से 0.799 होगी, बहुत ज़्यादा हाई है तो इट विल बी मोर देन 0.80. अब हम इसके की फाइंडिंग देख लेते हैं. HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इम्प्रूव हुआ था टू 134 2022 में, और ये हमारी वैल्यू 2021 में 135 थी, तो एक वैल्यू एक्चुअली में गिर गई है. मतलब अच्छा इंडिकेटर है, और 130 थी किसमें, 2018 में. सो HDI वैल्यू इंक्रीज करती है 0.644 फ्रॉम 0.63 2021 में. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात करें तो ये भी इम्प्रूव हुई है, 67.7 ईयर्स थी 2022 में और 21 में 67.2 थी. एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखें तो ये भी इंक्रीज हुआ है 12.6 ईयर्स फ्रॉम 11.9 ईयर्स. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी इंक्रीज हुआ है, 6.57 ईयर्स हो चुका है. ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा भी इंक्रीज हो चुका है, $6,951 हो चुका है फ्रॉम $6,52. कैटेगरी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं. कंपैरिजन विद नेबरहुड, इंडिया रैंक्स बिलो चाइना 75, श्रीलंका 78 है, मालदीव 87 है, भूटान 125 है, बांग्लादेश 129. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 193 कंट्रीज को रैंक किया था 2022 में, जिसमें स्विट्जरलैंड की रैंक नंबर वन थी, उसके बाद नॉर्वे आता है, उसके बाद आइसलैंड आता है. वाइडनिंग ह्यूमन डेवलपमेंट गैप, टू डेकेड ट्रेंड ऑफ स्टीडीली रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज बिटवीन वेल्थ एंड पुअर नेशन इन नाउ इन रिवर्स. राइजिंग ट्रेंड ऑफ डेमोक्रेसी पैराडॉक्स, ये जो पैराडॉक्स है इट इज कपल्ड विद अ सेंस ऑफ पावरलेसनेस एंड लैक ऑफ कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट डिसीजन. इसने पॉलिटिकल पोलराइजेशन को फ्यूल कर दिया है एंड इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अप्रोचेस आए हैं. सो डेमोक्रेसी पैराडॉक्स का मतलब होता है जहाँ पे पॉपुलेशन पॉजिटिवली सोचती है डेमोक्रेसी के बारे में, बट सपोर्ट लीडर्स हु अंडरमाइन डेमोक्रेसी. मतलब डेमोक्रेसी के बारे में हमारी सोच तो बहुत पॉजिटिव है, बट वी आर सपोर्टिंग दोज लीडर्स जो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रही हैं. दूसरे मेजर इंडाइसेस जो मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, जैसे कि GII जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स मेजर करता है, GII मेजर करता है जेंडर इनइक्वालिटीज को.
तीन की डायमेंशंस में, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। इंडिया जंप हुई थी 14 प्लेसेस टू रैंक 108 इन 2022 फ्रॉम 122 इन 2021। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये कैप्चर करता है मल्टीपल डेप्रिवेशंस दैट पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज फेस, फॉर एग्जांपल इन देयर हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो देर आर मोर देन लाइक 230 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में 2021 में अगर हम बात करें। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, मेजर करता है डिस्पैरिटीज ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय द जेंडर। ओके, नाउ अब यहाँ पे आता है, जैसे इंडिया शो करता है एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम जेंडर पैरिटी ऑफ मोर देन 10%। इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कंटेन करेगा दो रिलेटेड मेजर्स इनइक्वालिटी के, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द ओवरऑल लॉस इन इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ड्यू टू इनइक्वालिटी, राइट। सो इंडिया की जो रैंक है वो 6 प्लेसेस से डिक्लाइन हो गई है टू 148 इन इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब आता है प्लानिटरी मेजर प्रेशर्स, प्लानिटरी अगर हम देखें इसका प्रेशर्स का, सो इट एडजस्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर प्लानिटरी प्रेशर्स इन द एंथ्रोपोसीन टू रिफ्लेक्ट अ कंसर्न फॉर इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी विद 3% डिफरेंस फ्रॉम HDI वैल्यू। इंडिया की जो रैंक है वो 127 है। अब भाई अगर आता है हम अगर आप बात करें किसकी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के, जिसको हम UNDP बोलते हैं। सो एक यूनाइटेड नेशन लीड एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्क करता है 170 कंट्रीज में एंड टेरिटरीज में इरेडिकेट करने के लिए पॉवर्टी और रिड्यूस करने के लिए इनइक्वालिटी जो कि पॉवर्टी की वजह से होती है। इन लाइन विद 2030 एजेंडा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडेक्स इम्प्लीमेंट कर रहा है 6 क्रॉस कटिंग अप्रोचेस डेवलपमेंट के लिए, जिसको हम सिग्नेचर सॉल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है एज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। अ नेटवर्क ऑफ अराउंड 40 यूनाइटेड नेशन फंड प्रोग्राम्स, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एंड अदर बॉडीज जो वर्क कर रही है टू एडवांस द 230 एजेंडा, राइट। ओके, नाउ जेनेसिस की अगर हम बात करें तो अगर हम इसमें देखें जेनेसिस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो by merging of the United Nations Expanded Program of Technical Assistance and the United Nations Special Fund, mandate क्या है, United Nations Development Program mandate क्या है, poverty को end करने के लिए, democratic governance को build करने के लिए, rule of law बनाने के लिए and inclusive institution, advocates करता है change के लिए and connect करता है countries को to knowledge, experience and resource to help people build a better life। सो इसका जो वर्क है कॉन्सेंट्रेटेड है तीन फोकस एरियाज में, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पीस बिल्डिंग, और ऑब्वियसली क्लाइमेट डिजास्टर रेजिलियंस में भी। HDR जो रिपोर्ट होती है, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बोलते हैं, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये इनको क्या करता है एक्चुअली में, पब्लिकेशन इसका है। फंडिंग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम फंडिंग देखिए तो जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट है वहाँ से इसकी फंडिंग आती है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से आती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर देते हैं और अदर रिसोर्सेज। अब आता है हाउस होल्ड कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे 2020-23 का। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने रिलीज किया है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 23-22 आफ्टर गैप ऑफ ओवर 10 ईयर्स सिंस द लास्ट सर्वे 11-12। तो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे क्या होता है, इनका जो ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन को
कलेक्ट करता है ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितना वो हाउस होल्ड कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रही हैं। सो नेशनल स्टैटिस्टिक NSSO एक्चुअली में इसको क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो रेगुलर इंटरवल्स पे होता है। इनिशियली NSSO ने कंडक्ट किया था SCES को, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे को, हर साल 1950 से स्टार्ट हुआ था। हाउएवर सिंस 26 राउंड ये इसको कंडक्ट कर रही है, अब हर साल ना कंडक्ट करके 5 साल के बाद इसको कंडक्ट किया जाता है। तो 1780 सर्वे वो डिस्कार्डेड बाय द गवर्नमेंट, उस क्योंकि उसमें डेटा क्वालिटी इश्यूज था। अब यहाँ पे हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे की अगर यूटिलिटी हम देखें तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कंजप्शन को, एक्सपेंडिचर पैटर्न को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, वेलबींग हाउस होल्ड को। ये प्ले कर सकता है की रोल इन रिव्यूइंग क्रिटिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे GDP, उसमें इंक्लूड होगा पॉवर्टी के लेवल्स क्या क्या है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। की फाइंडिंग क्या है इसकी, देखिए ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखें तो एवरेज मंथली पर कैपिटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज हो रहा है 1999 से 2000 के बाद। तो 2.6 टाइम में इंक्रीज हो गया है रूरल एरियाज में, और अगर हम शहरीकरण में देखें अर्बन एरियाज में तो इट हैज़ इंक्रीज बाय 2.5 टाइम्स सिंस द लास्ट सर्वे। रूरल अर्बन डिवाइड एवरेज MPCE हैज़ बीन लाइक ₹3,773 रूरल इंडिया में, और यहाँ पे 6,459 अर्बन एरिया में। रिच पुअर डिवाइड है, रिच 5% ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज, स्पेंड करते हैं नियरली 8 टाइम्स एंड 10 टाइम्स मोर देन द बॉटम 5% रेस्पेक्टिवली। स्टेट वाइज वेरिएशन देखते हैं, स्टेट्स में अगर हम देखें तो MPCE हाईएस्ट है सिक्किम में और छत्तीसगढ़ में ये लोवेस्ट है, और यहाँ पे 9 स्टेट्स हैं जो नेशनल एवरेज से बिहाइंड लैग कर रहे हैं बिहाइंड। सो MPCE किसका, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का अगर हम देखें तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखिए एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का तो 3702, जो रूरल एवरेज बिलो से क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है उनका 3773 है फॉर द फर्स्ट टाइम। कंजप्शन एक्सपेंडिचर अमंग डिसएडवांटेज सेक्शन में देखिए रूरल एरियाज में जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनका लोवेस्ट है, जबकि अर्बन एरियाज में शेड्यूल कास्ट का लोवेस्ट है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट का यहाँ पे लोवेस्ट है। प्लीज नोट दैट HCS 2020-23 इंक्लूड्स करता है सेपरेट प्रोविजन फॉर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑफ कंजप्शन फॉर सेवरल आइटम्स रिसीव्ड एंड कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सो इसके बारे में अगर हम बात करें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एक पार्ट है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का एंड सबोर्डिनेट ऑफिस अंडर द कंट्रोल ऑफ MOSPOI। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कंसिस्ट करता है कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एंड NSSO। पर्पस क्या है, कंडक्ट करना है लार्ज स्केल सैंपल सर्वे बहुत सारे डाइवर्स फील्ड में ऑन एन इंडियन बेसिस। इट इज हेडेड बाई डायरेक्टर जनरल। जेनेसिस क्या है, 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था जब यूनाइटेड नेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम को मर्ज कर दिया था यूनाइटेड नेशन स्पेशल फंड के साथ। फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को कंडक्ट करता है, एनुअल सर्वे करता है इंडस्ट्रीज का, अर्बन फ्रेम सर्वे एटसेट्रा। NSSO कलेक्ट करता है डेटा ऑन रूरल एंड अर्बन प्राइसेस, प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप स्टैटिस्टिक्स, मेंटेन करता है फ्रेम किसका, अर्बन एरिया यूनिट्स का, फॉर यूज इन सैम्पल सर्वेस अर्बन एरियाज। बिसाइड दीज सर्वेस NSSO कलेक्ट करता है डेटा ऑन रूरल एंड अर्बन प्राइसेस एंड प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो NSSO के पास 4 डिवीजन है, सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन, डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन, सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन। SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ने पब्लिश किया है SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट। इट इज लॉन्च बाय यूनाइटेड नेशन। SCAP प्रोवाइड्स करता ओवरव्यू किसका, करंट प्रोग्रेस का,
टूवर्ड्स द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड उनके 169 टारगेट्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन में. सो इट बेसिकली हाईलाइट्स सक्सेस स्टोरीज एंड ट्रेंड्स एंड द यूनिक चैलेंजेस जो फेस होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में रीजन की. यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बैंकॉक थाईलैंड. यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट, ये 1947 में एस्टेब्लिश हुआ था, इसका ASCAP नाम रख दिया था 1974 में. 15 मेंबर स्टेट है, 9 एसोसिएटेड मेंबर है, सपोर्ट करता है इंक्लूसिव रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन द रीजन. फोकस एरिया क्या क्या है इनका, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉवर्टी रिडक्शन एंड फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजास्टर रिस्क एजुकेशन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, सोशल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टैटिस्टिक्स, एनर्जी, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. की फाइंडिंग देते हैं रिपोर्ट की, स्लो पेस ऑफ प्रोग्रेस, करंट पेस पे रीजन अचीव नहीं करेगा सारे 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना 2062 से पहले, 30 ईयर डिले यहाँ पे कहा जा रहा है. कोविड 19 पैंडमिक ने इरेज कर दिया है मच ऑफ द प्रोग्रेस मेड सिंस 2015. अनइवन एंड इनएडिक्वेट प्रोग्रेस बहुत सारे डायमेंशंस में है, जैसे अर्बनाइजेशन है, एजुकेशन है, एज है, इनकम है, विद डिविजन अक्रॉस कंट्रीज, जेंडर एंड अर्बन रूरल गैप. इनसफिशिएंट डेटा है, ओनली 133/231 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिकेटर्स प्रोसेस करता है सफिशिएंट डेटा टू असेस प्रोग्रेस. अदर इश्यूज जो परसिस्ट कर रहे हैं रीजन में, जैसे इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कंटिन्यू टू इंक्रीज, वाटर का स्ट्रेस है, पॉल्यूशन है, स्कार्सिटी है, इनएडिक्वेट सैनिटेशन सर्विसेज है, गवर्नमेंट फाइनेंस, जी सिक्योरिटीज. RBI ने परमिट किया है लेंडिंग एंड बोरोविंग जी सिक्योरिटीज का, जिनको हम G-Secs भी बोलते हैं, बाई इशूइंग RBI डायरेक्शन 2022 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंडिंग. गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंडिंग क्या होता है, सो अंडर जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंडिंग ट्रांजेक्शन में जो G-Sec जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है एक्सक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स जिसको टी बिल्स भी बोलते हैं, शेल बी एलिजिबल फॉर लेंडिंग और बोरोइंग. ऑल्सो G-Sec जो इशू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से इंक्लूडिंग टी बिल्स एंड स्टेट गवर्नमेंट बोन्स शेल बी एलिजिबल फॉर प्लेसिंग एंड एज कोलेट्रल अंडर GSL ट्रांजेक्शन. बेनिफिट्स क्या है GSL के, इट विल एड डेप्थ एंड लिक्विडिटी G-Sec मार्केट में, जिसमें एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी होगी, फैसिलिटेट करेगा वाइडर पार्टिसिपेशन सिक्योरिटीज लेंडिंग मार्केट में बाय प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर्स एंड एवेन्यू टू डिप्लॉय आइडल सिक्योरिटीज एंड उनकी पोर्टफोलियो रिटर्न्स को एनहांस करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बाय इंश्योरेंस. जी सिक्योरिटीज एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है, सो इट एक्नॉलेज द गवर्नमेंट्स डेट ऑब्लिगेशंस. G-Sec प्रैक्टिकली कोई भी रिस्क नहीं करते डिफॉल्ट का, एनहेंस उनको हम बोलते हैं रिस्क फ्री एज्ड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. ट्रेजरी बिल्स ये G-Sec है, शॉर्ट टर्म मेच्योरिटीज, इनकी मेच्योरिटीज एक साल से भी कम होती है, यानी कि 91 डेज, 182 डेज या फिर 364 डेज. टी बिल्स जो है वो जीरो कूपन सिक्योरिटीज हैं एंड कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं. सी दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू एट मेच्योरिटी. डेटेड G-Secs को हम गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर डेटेड सिक्योरिटीज भी बोलते हैं. दीज आर G-Sec विद लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर बिटवीन 5 ईयर्स एंड 40 ईयर्स. अब जैसे G-Secs के कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं, तो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट सिंस दे आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम एज दे ऑफर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटीज सच एज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एंड स्पेशल सिक्योरिटीज ऑयल बॉन्ड्स उदय बॉन्ड्स प्रोवाइड करता है अट्रैक्टिव यील्ड्स. इंटीग्रेटिंग G-Secs इन डाइवर्सिफाइड गवर्नमेंट पोर्टफोलियो कैन हेल्प रिड्यूस ओवरऑल रिस्क, इजीली ट्रेडेबल इन मार्केट विच मीन्स दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल देम क्विकली, यूज एज कोलैटरल टू बोरो फंड्स इन द रेपो मार्केट. सो देर आर इनिशिएटिव्स टेकन फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G-Secs. सो G-Secs एक्विजिशन प्रोग्राम जैसे RBI कंडक्ट करता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस G-Secs को परचेज करने के लिए फ्रॉम द मार्केट.
जो हेल्प करता है कंट्रोलिंग एक्सेसिव वोलेटिलिटी. आरबीआई रिटेल प्राइस स्कीम प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एक्सेस टू जीसेक मार्केट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स. स्कीम फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग फैसिलिटी इन ऑप्शंस ऑफ जीसेक. इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई जिसमें वो रिटेल पार्टिसिपेशन जो होता है प्राइमरी मार्केट में उसको क्या करता है, इनक्रेज करता है. स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज भी है. सो आरबीआई जो है उसने रिलीज की रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज. स्टेट गवर्नमेंट गारंटी, गारंटी क्या होता है, एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है फॉर अ स्टेट टू मेक पेमेंट्स एंड प्रोटेक्ट एन इन्वेस्टर्स लेंडर फ्रॉम द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय अ बोरोअर. हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे इम्प्रूव करता है वायबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट एंटिटीज विद अ सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स. एनेबल करता है पब्लिक सेक्टर कंपनीज को टू रेज रिसोर्सेज एट अ लोअर इंटरेस्ट चार्जेस और ऑन मोर फेवरेबल टर्म्स. फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट्स इन केसेस सॉवरेन गारंटी इज अ प्री कंडीशन फॉर कंसेशनल लोन्स फ्रॉम बायलेटरल मल्टीलेटरल एजेंसीज. सो आर्टिकल 292 की अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन टू द गिविंग ऑफ गारंटीज और द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सिमिलर पावर आर गिवन टू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 293. स्टेट गवर्नमेंट ऑफन इशू करता है गारंटीज ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट अर्बन लोकल बॉडीज एटसेट्रा फॉर एनहांसिंग डेवलपमेंट स्कीम या प्रोजेक्ट जो आती हैं. करंट स्टेट क्या है स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज का, आउटस्टैंडिंग गारंटीज जो कॉन्स्टिट्यूट करती है लेस देन 10% ऑफ द GST ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट. However, ये सालों में राइज कर रहा है. स्टेट्स विद रिलेटिवली हायर आउटस्टैंडिंग गारंटी लेवल इंक्लूड जैसे सिक्किम 12.0%, तेलंगाना 12.0%, आंध्र प्रदेश 10.4% एंड उत्तर प्रदेश 8.8%. फॉर सेवरल स्टेट पावर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द गारंटी. पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है राइजिंग स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज का, मोरल हजार्ड्स. गारंटीज कुड क्रिएट मोरल हजार्ड्स लीडिंग टू द गारंटीड entity being suboptimal in performing its obligation. Fiscal risk देखे burden करता है state financing को leading to large unanticipated cash outflows and increased debt. Crowding out private investment, excessive guarantees discourage कर सकती है private lenders को directly financing projects से. Potentially it can lead to higher borrowing cost for the government. अब बाद में हम पढ़ेंगे बैंकिंग का, तो बैंकिंग का हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे. लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, ठीक है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ कीजिए. थैंक यू सो मच.